हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। 5 नंबर में बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका प्रूविंग पूछता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला देखना। तो मैग्नीफाइंग पावर एम से डिनोट करते हैं। जिस सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन होता क्या। तो द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। इमेज आँख के ऊपर जो एंगल बना रहा है वो इमेज एट द आई टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन प्लेस्ड एट मिनिमम डिस्टेंस एट अ डिस्टिंक्ट विजन। देखिए, हमारा इमेज जो आँख के ऊपर एंगल बना रहा है उसको किससे डिनोट करें, बीटा से। और हमारा ऑब्जेक्ट जो आँख के ऊपर इमेज बना रहा है कब, जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, तो वो अल्फा। तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या मिला हमें, एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा विल बी इक्वल टू विजुअल एंगल टू द इमेज बाई विजुअल एंगल टू द ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, डी पर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम मैग्नीफिकेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब उसके बाद आएंगे प्रूविंग के ऊपर, जो प्रूविंग हमसे पूछ रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस का फॉर्मूले को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, कुछ देखते हैं डायग्राम कैसा है इसका। हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा होता है हमारा आई पीस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर छोटा होता है, आईपीस बड़ा होता है, इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में ही होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ज़्यादातर रेज जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से पास ऑलरेडी हो ही जाती है, तो अपर्चर बड़ा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स पास करें। ठीक है, ए बी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ए बी से क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैरेलल रे भेजें, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो फोकस से पास किया, इसको हमने किससे डिनोट किया, एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। एक ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पास किया, दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ पे मीट की वहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। किसके लिए इमेज, ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट कौन था, ए बी, जिसको हमने यू ओ से डिनोट किया था। याद रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए यू का इस्तेमाल करते हैं और इमेज डिस्टेंस के लिए वी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया यू ओ और यहाँ पे हमारा इमेज बना, ये क्या होगा, वी ओ। ठीक है, अब ये जो इमेज है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज है, इमेज डिस्टेंस वी ओ, ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगी किस लेंस के लिए, आई पीस के लिए। ठीक है, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से भेजे, अनडेविएटेड पास किया, दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे, तो ये कहाँ से पास किया, फोकस से पास किया। किसके फोकस से, आईपीस के फोकस से। अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड, ये दोनों रेज जो है ये तो पीछे की तरफ डाइवर्ज करती जा रही है, कभी मीट करेगी क्या, नहीं करेगी। तो अब इन दोनों रेज को मीट कराने के लिए हम क्या किए, पीछे की तरफ इन दोनों को एक्सटेंड किए। अब जहाँ पर ये दोनों रेज मिली वहाँ पर, यहाँ जो हमारा आँख होगा, इस आँख को क्या दिखाई देगा, इमेज दिखाई देगा, इस आँख को यहाँ पर इमेज दिखाई देगा। तो ये ऑब्जेक्ट को ए बी नाम दिए, ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज बन रहा था उसको ए डैश बी डैश नाम दिए, आई पीस के लिए जो इमेज बन रहा है उसको ए डबल डैश बी डबल डैश नाम दिए। ठीक है, ये जो हमारा है ये क्या है, आई पीस का इमेज है, मतलब इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस वी ई। और क्योंकि प्रॉपर इमेज दिखे इसके लिए हम इमेज कहाँ बनाना पसंद करेंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर, डी के ऊपर बनाना पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके डेरिवेशन पोर्शन के ऊपर जंप करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसका इसका भी लेना है तो ले लो। चल अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैग्नीफिकेशन के लिए बीटा और अल्फ़ा चाहिए। इस फिगर में हमने अल्फ़ा नहीं दिखाया क्योंकि ज़्यादा घिचमिच हो जाता है। यहाँ पे बीटा है, ये अपना जो इमेज है, इमेज जो आईपीस के ऊपर एंगल बना रहा है, ये हो गया बीटा। तो बीटा निकालने के लिए हम जो ट्रायंगल लेंगे वो ए डैश बी डैश ई लेंगे। ए डैश बी डैश ई वाले ट्रायंगल में से टैन थीटा निकालेंगे और ये ऑब्जेक्ट को लीज डिस्टेंस पर रखेंगे। यहाँ से जो यहाँ इस आईपीस के ऊपर एंगल बनेगा वो हमारा अल्फ़ा होगा, वो हम अलग से बस एक साइड से फिगर में दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट, हाँ जी चलेगा। तो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई, टैन बीटा विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई ई बी डैश।
तो ए डैश बी डैश को वैसे ही लिखें, ई बी डैश हमारा क्या होगा, इमेज डिस्टेंस आई पीस के लिए तो यू ई। अब अल्फ़ा निकालना है तो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ई से कहाँ रखें, डी डिस्टेंस पे, लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो ये एंगल बनाया अल्फ़ा, तो इस ट्रायंगल में से टैन अल्फ़ा क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी ई, तो ए बी बाई ई बी, तो ई बी कितना है अपना डी है, तो ए बी बाई डी। अब क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो एंगल अल्फ़ा और बीटा है ये बहुत छोटा है, तो स्मॉल एंगल्स के लिए टैन थीटा अप्रॉक्स इक्वल किसके हो जाता है, थीटा के। तो टैन अल्फ़ा विल बी अप्रॉक्स इक्वल टू अल्फ़ा एंड टैन बीटा विल बी अप्रॉक्स इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पे इसको टैन बीटा बोलो या फिर बीटा बोलो, टैन अल्फ़ा बोलो या फिर अल्फ़ा बोलो। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास है बीटा बाई अल्फ़ा। तो बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ से, ए डैश बी डैश बाई यू ई, बीटा की जगह पे ये और अल्फ़ा की जगह पे ए बी बाई डी, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके गए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए रेसिप्रोकल करके, तो ए डैश बी डैश बाई यू ई इंटू डी बाई ए बी। अब ए बी को इधर किया, यू ई को इधर, तो एम मैग्नीफिकेशन विल बी ए डैश बी डैश बाई ए बी इंटू डी बाई यू ई। सुनो मेरी बात, ए डैश बी डैश बाई ए बी देखो तो क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये इमेज का ही हाइट है, और ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ए डैश बी डैश बाई ए बी को एच आई बाई एच ओ लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, बिल्कुल ठीक, चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे वही काम किया, ए डैश बी डैश बाई ए बी की जगह पे एच आई बाई एच ओ, और देखो मेरी बात, इमेज कहाँ बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो माइनस मिलेंगे वो हाइट, और ऑब्जेक्ट तो ऊपर है तो प्लस मिलेंगे, इसलिए माइनस एच आई बाई एच ओ, और ये किसके लिए लेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंगे, और ये कितना होगा अपना डी बाई यू ई, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद ना हमारे पास फर्दर दो केस आएगा, दो केस कौन सा, जब एक केस होगा जब फाइनल इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे बने, और दूसरा केस होगा जब फाइनल इमेज कहाँ बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, वी हैव फर्दर टू केसेस, केस नंबर वन व्हेन द फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कैपिटल डी, कुछ नहीं करना यहाँ पर देखो, एक बार आई पीस पे लगाना है हमें लेंस फॉर्मूला, तो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट भी क्या है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे, और इमेज डिस्टेंस भी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, दोनों ही डिस्टेंस कैसा लेंगे, साइन कन्वेंशन याद करो, दोनों ही डिस्टेंस निगेटिव होगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है, चलेगा। साथ साथ बोलिएगा तो आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कोशिश कीजिएगा जो मेरे साथ साथ बोलने का। तो वी ई क्या होगा, माइनस डी, यू ई क्या होगा, माइनस यू, दोनों निगेटिव डिस्टेंस होगा। अप्लाई करेंगे लेंस फार्मूला किस लेंस के ऊपर, आई पीस के ऊपर, तो लेंस फार्मूला क्या था हमारे पास, वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू, आई पीस के ऊपर लगा रहे तो सब में सफिक्स लगा दिए ई ई, तो वन बाई एफ विल बी इक्वल टू वन बाई वी कितना है, माइनस डी, माइनस वन बाई यू ई, यू ई कितना हो जाएगा, माइनस यू। अब यहाँ देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वन बाई एफ ई विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई डी प्लस वन बाई यू ई, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यू ई वेरिएबल टर्म है, हम मैग्नीफिकेशन लाना चाहते हैं कुछ इस तरीके से कि जो भी फॉर्मूला है उसमें सारा का सारा टर्म हमारे लिए नोन हो, तो यहाँ पे d बाई यू ई इसी को हमें हटाना है, हमें हमारे पास 1 बाई यू ई है, तो इक्वेशन में कोई भी चीज़ अगर एल एच एस आर एच एस दोनों में करते हैं तो हमारे इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड d से, तो d बाई एफ ई विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई डी प्लस डी बाई यू ई, यहाँ से डी डी कट के 1 बचा, फाइनल क्या आया, d बाई एफ ई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस डी बाई यू ई। अब एल एच एस के इधर ये माइनस में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो डी बाई यू ई विल बी इक्वल टू वन प्लस डी बाई एफ ई, यहाँ देखिए, ठीक है, दिख रहा है, हाँ, तो डी बाई यू ई विल बी इक्वल टू वन प्लस डी बाई एफ ई। अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे एक फॉर्मूला, हम ये डी बाई यू ई की जगह पे वन प्लस डी बाई एफ ई को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन वन में, ये जो हमारा फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला आया था ना मैग्नीफिकेशन का, इसको इक्वेशन वन नाम दिया था, तो डी बाई यू ई की जगह पे क्या पुट करेंगे, वन प्लस डी बाई एफ ई, तो मैग्नीफिकेशन कितना मिल जाएगा, माइनस एच आई बाई एच ओ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इंटू वन प्लस डी बाई एफ ई, देखिए तो सेम है जी, ठीक है, तो वन प्लस डी बाई एफ ई। तो और हमें मालूम है लेंस में हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्नीफिकेशन देता था, और ये बराबर होता था वी बाई यू की जगह, यू की जगह, तो एच आई बाई एच ओ, माइनस तो पहले लिख दिया, एच आई बाई एच ओ की जगह क्या लिख दिया, वी बाई यू,
क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का हाइट का रेशियो है, तो ये रेशियो भी किसका लेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ही लेंगे, हो गया। सेकंड केस क्या हो सकता है, जब फाइनल इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी के ऊपर बने, इन्फिनिटी पे बने, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव यू, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे आईपीस के ऊपर, 1f = 1v - 1ue, क्योंकि आईपीस के ऊपर लगाए हैं तो सफिक्स ई लगा दिया, 1f = 1 - infinity - 1 - ue, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, 1 by infinity कितना होता है, जीरो होता है, तो 1f = 0 + 1ue। अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, देखो फिर हमें क्या करना है, d/ue को हटाना है, हमारे पास 1 by ue है, तो दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये d/ue हो जाएगा, तो सब्सटीट्यूट कर देंगे उसकी जगह पे d/fe को, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय d, दोनों ही साइड को किससे मल्टीप्लाई करें, d से मल्टीप्लाई करें। अब देखो जब d से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ये d/fe = d/ue, अब सब्सटीट्यूट कर देंगे d/ue की जगह d/fe किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारा मैग्नीफिकेशन का जनरल इक्वेशन आया था, तो मैग्नीफिकेशन विल बी इक्वल टू -hi/ho ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इनटू d/fe, यानी तो मैग्नीफिकेशन विल बी इक्वल टू -vo/uo इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव इनटू d/fe। ये जो फार्मूलाज आए फाइनल फार्मूलाज, ये सारे के सारे फार्मूलाज नोन टर्म्स में आए, ठीक है। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बताइए, थैंक यू।